أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محترم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हकूक़ व फ़र इस सीरीज़ में आप तमाम का तहदिल से इस्तबाल हैं पिछले दरूस में औरतों के हकूक़ के सिलसिले में चंद अहम हकूक़ का जो है जिक्र हुआ था उसी सिलसिले की एक कड़ी लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जिसका मौजू है माशरती और हक औरतों को जो है इस्लाम ने इजतमाही औररती मैदान में भी औरतों के जज्बात और उनके एहसास का मुकम्मल पास विहाज़ रखा है और उनको एक मतदल जो है हक़ इस्लाम ने अता किया है मर्दों की तरह औरतों को इस्लाम ने रफ़ी हयात का इंतब करने में अपने शोहर के इंतब करने के सिलसिले में इसी तरह खला का हक़ नीज़ इसी तरह इज्तमाहीबादत रफाही खदमात शादी और दीगर जो हैं जायज़ तकरीबा में शिरकत की इजाज़त इस्लाम ने दी हैं निका के पैगाम को कबूल करने या ना करने के सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फ़रमाया महक़ को बिन अब से हाँ बिन कि बेवा या मुतल को जो है अपनी ज़ात के फ़ैसले के सिलसिले में वली से ज़्यादा हक़ हासिल हैं और जबकि कुंवारी लड़की से अल्लाह के नबी सा ने कहा कि उससे मुतालिक जो है इजाज़त ली जाएगी और उसकी खामोशी उसकी इजाज़त मानी जाएगी यहूदाऊद की जो है सही रिवायत इसी तरह अगर शादी के बाद आपस में जो है इख्तलाफा पैदा हों दोनों में मियाँ बीवी में अनबन अनबन हो जाए और बीवी ये चाहती हैं कि शोहर से जो है जुदाई की इख्तियार कर लें जुदा हो जाएँ तो इस्लाम ने इसका भी जो है महदूद दायरे में जो है उसकी इजाज़त इस्लाम ने दी है साबित बिन अल्लाह ख़ैसरद्लू की बीवी ने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, की खिदमत में हाज़िर होकर कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित की दीनदारी और उनके अखलाक के सिलसिले में कोई शिकायत नहीं उनकी दो बहुत दीनदार हैं बाखलाक हैं इस सिलसिले में मुझे कोई शिकायत नहीं लेकिन कहाँ कि मुझे अपनी नाफरमानी का अंदेशा है अल्लाह ताला ने जो हदूद मुकर किए हैं जो हकूक़ मुतन किए हैं शायद मैं उनकू को अदा ना कर सकूँ इसका डर है तो वो चाहती थी कि खुला ले लें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा अतरुद्दीन अलैहि ही साबित बिन सबित बिन अल्लाह उदी तुन ने महर में एक बाग उनको दिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या उनका बाग तुम वापस लौटा दोगी तो आपने कहा कि हाँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन खयस को बुलाया और उनसे कहा इकबल हदीक़ा व तल्ले ततली खतन कि तुम अपना बाग वापस ले लो और उनको जो है एक तलाक़ दे दो तो इस तरह जो है अल्लाह के नबी सा ये सही बुखारी की रिवायत है अल्लाह के नबी सा ने पूरा हक़ हाँ जो है ख़ातून को दिया है कि अगर वो जुदा होना चाहती हैं जायज़ शरीय जो है उज़ुर की बनाह पर सिर्फ दुनिया के मकासद और शरीत के खिलाफ वर्दी करते हुए अगर इस तरह करना चाहें तलाक़ का मुतालबा करें इसके लिए सख्त वईद है लेकिन जायज़ जो है इस्लाम के दायरे में रहकर और जायज़ जो है सही उ़ुर की बुनियाद पर अगर औरत जुदा होना चाहती है तो इस्लाम ने यह भी हक़ उसको दिया है और इस्लाम ये चाहता है कि हमेशा मियाँ बीवी जो हैं उनके दरमियान ज़िंदगी जो है, है खुशगवार रहे, मिलकर रहें प्यार मोहब्बत उल्फत मोहब्बत से जो है ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ तो इसी तरह देखिए शादी में भी जो है तरफ इनके रज़ामंदी को इस्लाम ने जो है ज़रूरी करार दिया है जहाँ शौहर जो बनने जा रहा है उसकी रजामंदी भी जरूरी है और जो बीवी बनने जा रही है उसकी भी जो है उस लड़की की रजामंदी भी ज़रूरी है इसी तरह इस्लाम ने औरतों को इबादत का भी हक़ दिया है औरतें अल्लाह के नबी सा के ज़माने में ईदिन के मौके पर इसी तरह सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण इसी तरह जनाजे की नमाज़ में जो है औरतें शिरकत किया करती थी अल्लाह के नबी सल्ह वसम के साथ शर्क होती थी इसी तरह अहतिकाफरहज में भी जो है औरतें शर्क थी तो इस्लाम ने जो है इजाज़त दी हती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत है मशहूर रिवायत ला तम नौ इमा मसाजिद अल्लाह कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद आने से मत रोको अगर औरतें इजाज़त चाहें तो इस्लाम ने इसकी भी इजाज़त दी है कि उनको ना रोका जाए इसी तरह जायज़ तकरीबा निका की महफिल हो वलीमे की महफ़िल हो या दीगर जो जायज़ तकरीबा जिसकी इजाज़त इस्लाम ने दी है अगर औरत शिरकत करना चाहती हैं तो इसकी भी इजाज़त है सही बुखारी में एक सहाबी का जो है वाक़ा अबू वसीद सदी रौदी अल्लाह तहों का जो है वाक़ मशहूर हैं कि उन्होंने जो है नबी गनीम सलील वसम को सहबा को जो एक मरतबा खाने की दावत दी और उस दावत में उनकी अहलिया उम अला उनके उम उस ने जो है रौदी तह ने तमाम दावत की जो भी लवाजिमात थे दावत को उन्होंने तैयार किया खाने पीने पकवान उन्होंने उसकी तैयारी की और उसको पेश किया इसमें पे जो है उन्होंने भी शिरकत की और तमाम फराइज जो है उन्होंने अंजाम दिए इसी तरह सही बखारी में उस्मान बिन मदून रदी अल्लाह जब बीमार थे उनकी तैमा के लिए जो है उनकी यादत के लिए उनकी निगरानी के लिए उम्य अली सब तह ज मुर्र थी उन्होंने जो है ये काम किया गर्द इस्लाम जो है औरत को गैर ज़रूरी और ग़ैर इंसानी जो हैं, जो तमाम क्यूद हैं बंदिशें हैं उससे जो है आज़ाद होते हुए ज़िंदगी के हर मैदान में हरकत अमल का पूरा पूरा हक़ जो है इस्लाम ने दिया है और देना चाहता है जिसमें उसके अमल का टकराव जो फितरी और शरी तों से ना हो जहाँ फितरत से बगावत इंसान करने पर तुलें खास ख़वान और इसी तरह शरिय जो हदूद व क्यूद अल्लाह ताली ने मुकर किए हैं अगर उसको पार करना चाहे उससे अगर उसका अमल टकराता है तो वहाँ जो है पाबंदी लगाई जाएगी लेकिन अगर शरीयत के दायरे में औरत चाहती है कि और औररती ज़िंदगी गुजारें और जायज़ तकरीबात में शिरकत करें और इसी तरह जो शुरू में मैंने जो अहकाम बताएँ खुला के सिलसिले में निका रज़ामंदी के सिलसिले में जो है औरत को तमाम हकूक़ जो है इस्लाम ने पूरे पूरे अता किए हैं अल्लाह से दुआ हैं कि अल्लाह ताली हम तमाम को सही मानो में जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की अल्लाह तोफ़ी अदा फरमाएँ और का महक् जो है इन इस्लामी अहकाम को बजा लाने की सदत नसीब फरमाएँ। शरीय की हर खिलाफ वर्जी से अल्लाह ताली हमारी हिफाजत फरमाएँ आमीन सामीन व मा अलना अलबलामबी असलमकुम वरम वबरकू